तो सर 120 दिनों में सर इस तरीके से हो जाता है। अच्छा सर, ये गैप वगैरह का क्या रहता है, जैसे सर छुट्टियों का या संडे का? इसका सर संडे सर फुल रेस्ट रहता है, क्योंकि सर क्या है कि वर्कआउट तो ज़रूरी है। एक सर हमारा एक पैटर्न होता है कि ईट, वर्कआउट, स्लीप, और स्लीप के ब्रैकेट में आता है रिकवरी। ओके, बच्चों की रिकवरी बहुत ज़रूरी है। सर ये आपने बहुत तगड़ी तीन वर्ड बोल दिए। हाँ सर, पहला है वर्कआउट, हाँ, दूसरा है ईट, हाँ, तीसरा है स्लीप। हाँ तो स्लीप में आती है रिकवरी। ये रिकवरी लोग भूल जाते हैं। सर एक बच्चे को पहले डाइट के बारे में सर थोड़ा सा बता। सर डाइट के बारे में बताऊं तो हम लोग कोशिश ये हमारी रहती है कि बच्चे सर सारे एथलीट बन चुके। यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं सब ग्राउंड पे, इनकी रनिंग ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हमारा फोकस ये रहता है कि बच्चे प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन, ये तीन मैक्रो न्यूट्रिएंट पे ज़रूर फोकस करें। क्योंकि अगर सर हमारा यहाँ से अगर पार्ट हमारा क्या, हमारे साथ बच्चे बस 2 घंटे रहते हैं, 2 से 2.5 घंटे, उसके बाद बच्चों को खुद से रहना है। तो बच्चों को अपनी डाइट पे बहुत फोकस करना पड़ता है, और उन्हें ये भी देखना है कि वो अपनी रात की 7.5 से 8 घंटे की नींद पूरी करके ही ग्राउंड पे आए। क्योंकि सर सबसे अच्छा जो प्री वर्कआउट जो कहते हैं जिसको, जो वर्कआउट से पहले जो खाना होता है वो होती नींद। अगर आपकी नींद आपकी 7.5 से 8 घंटे की है तो आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे देंगे। अगर आपने अच्छी नींद नहीं ली है तो आपका परफॉर्मेंस डगमगाएगा। तो मैं प्रिसाइजली जानना चाहूंगा, ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि सर फूड को लेकर के, डाइट को लेकर के बच्चों को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना। सर मैं मतलब आपको कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जो लोगों को इतना नहीं पता है, लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपका हर जो जितना भी खाना होता है, आप जब भी खाना खाते हैं आपको ये ध्यान देना है कि उस खाने में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का रेशियो 2:1 में होना ही होना चाहिए। मतलब आप कुछ भी खाइए आप, तो कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा लेना है प्रोटीन ज्यादा लेनी है? नहीं सर, कार्बोहाइड्रेट लेनी है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट अगर 100 ग्राम ले रहे हैं तो उसके साथ 30 से 40 ग्राम प्रोटीन भी लीजिए। ओके, और उसके साथ फैट भी 10 से 15 20 ग्राम रखिए। तो मैं आपको इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं। अगर बच्चा सुबह उठ रहा है तो वो दलिया खाए, दलिया और दूध बेस्ट ब्रेकफास्ट है। उसके साथ बनाना ले ले, उसके साथ एग्स ले ले। एग्स में सर प्रोटीन और फैट होता है, और बाकी दलिया में कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है दलिया और दूध से। हाँ तो ये डाइट के लिए सर ने आप लोगों को कुछ बताया है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि डाइट को मेंटेन करना आपके घर में पॉसिबल नहीं है तो वॉरियर्स के यहाँ हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल exactly, है। आकर के exactly. आपको टाइम टू टाइम खाना मिल सकता है, टाइम से आपको सोना है क्योंकि लाइट ऑफ हो जाती है, टाइम से आपको जगना है। तो एक रूटीन सर बहुत मैटर करता है। सर वार्डन हमारे इसमें बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा। वार्डन का रोल क्या होता है कि बच्चों का फोन ऑफ करवा दें, बच्चों को टाइम से सुला दें। और अगर कोई बच्चा नहीं उठ रहा है, वैसे सर क्या होता है कि बच्चों को 5-6 दिन टाइम लगता है अर्ली मॉर्निंग उठने में, उसके बाद बच्चों की अपने आप आदत बन जाती है। अगर आदत, सवाल आपसे पूछना चाहूंगा सर नींद को लेकर के, इधर सर आते हुए सर कुछ। हाँ सर, ये ग्रुप बी है सर। अच्छा, ये ग्रुप बी है, ये स्पेशल एक्सरसाइज कर रहे हैं सर पर्टिकुलर मसल की, पर्टिकुलर बॉडी की। सर बच्चों की फिटनेस देखिए कितनी तकलीफ रहती है। सर सर बहुत ज़रूरी है बच्चों की फिटनेस। और सर हम थोड़ा सा बच्चों पे लोड भी देते हैं। अगर सर लोड नहीं देंगे तो क्या होता है कि लोड के बाद परफॉर्मेंस बढ़ती है। तो सर प्रोसेस ये होता है कि बच्चा ग्राउंड पे आया, थोड़ा सा लोड लिया बच्चे ने, उसके बाद रिकवरी हुई और वो एडेप्टेशन में बदल गई। तो लोड रिकवरी एडेप्टेशन, फिर लोड रिकवरी एडेप्टेशन। तो इसका कहने का मतलब ये कि बच्चा अगर पहले दिन आया और बच्चे ने 400 के 5 रिपीटेशन लगाए, तो हमारा फोकस ये रहेगा कि बच्चा अगले दिन अगर आ रहा है तो 6 रिपीटेशन लगाने की कोशिश करे। अच्छा। इसका मतलब ये हो रहा है, मैंने आपको बस छोटा सा एग्जांपल दिया, एक उदाहरण है, वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चे ने जो किया उसके बाद बच्चे की रिकवरी हुई और बच्चे ने उस चीज़ को अडैप्ट कर लिया। अब अडैप्ट के बाद अगर आप वही चीज़ कराते रहेंगे तो बच्चा फिर इम्प्रूव कैसे करेगा? इम्प्रूवमेंट के लिए चाहे वो एकेडमिक्स हो चाहे वो ग्राउंड का फिजिकल ट्रेनिंग हो, आपको थोड़ा सा लोड देना पड़ेगा। अच्छा। लोड के बाद जैसे ही रिकवरी होगी अडैप्टेशन में चेंज हो जाएगा। तो प्रोसेस सर वही चल रहा है। और आपको सर मैं यहाँ बताऊँ तो जितने भी बच्चे घंटों में बात करूँ, हाँ सर, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल रहता है लोगों का और बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। अगर मैं घंटों में बात करूं तो हाँ। बच्चों को ये हर वर्कआउट करने के बाद, जैसे 2.5 घंटे मॉर्निंग में होता है, 2.5 घंटे इवनिंग में होता है ना, तो इतना रिगरस वर्कआउट करने के बाद लगभग कितने घंटे की एकदम मस्त नींद लेनी चाहिए? सर 8 घंटे की रात की नींद बहुत जरूरी है। 8 घंटे की? 8 घंटे। तो आप लोग सुन लीजिए, जिन लोगों को लगता है ना कि रात में मोबाइल चलाना जरूरी है या जो 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 इधर उधर के काम हो उस पर फोकस करना जरूरी है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक्सपर्ट की एडवाइस है कि आपको 8 घंटे सोना है, वो भी रात में ना सर। बहुत जरूरी है सर, 8 घंटे की नाइट स्लीप की मैं बात कर रहा हूँ, 7.5 to 8 hours, मतलब बहुत जरूरी है सर। क्योंकि आपकी बॉडी तभी रिकवर कर पाएगी जब आप सोते हैं। लेटना नहीं है, अच्छा, लेट के फोन चलाना नहीं है, आपको सोना है। नींद से अच्छी रिकवरी आपको कहीं नहीं मिल सकती। जय हिंद।